अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही महिलाओं को प्रोत्साहित करने, समाज में विद्यमान कुरीतियों की रोकथाम और कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण भी शामिल होंगे, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें 30 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो 8 मार्च को होगा। यह कार्यक्रम नारी शक्ति की अस्मिता एवं उत्कर्ष को समर्पित श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर द्वारा अपनी आध्यात्मिक एवं सामाजिक प्रतिबद्धता के अनुरूप विगत वर्ष के समान ही इस वर्ष भी महिला दिवस का गौरवशाली आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 11 बजे से सशक्त भारत का ध्यान समर्थ महिलाओं के विषय पर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी क्षेत्र की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें शासकीय योजनाओं, कानूनी प्रावधानों सहित अनेक आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस आयोजन के मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके, राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन, पद्मश्री तीजन बाई, सुविख्यात पंडवानी गायिका, पद्मश्री फूल बासन बाई यादव सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय जो है महिलाओं को उनके क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित कर रहा है, इसके लिए महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के रूप में रहेगी, जो महिलाओं को सम्मानित करेगी। उसके साथ जो महिलाएं जो ग्रामीण अंचल में भी अनुसंधान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो अपने योगदान दे रही हैं, ऐसी कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको अभी तक पहचान नहीं मिल रही है, हम उस कार्यक्रम के थ्रू उनको पहचान भी देना चाह रहे हैं। उनके कार्यक्रम को सम्मानित करके, उनके कार्य को सम्मानित करके हम और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए क्या जो हमारा विश्वविद्यालय है, ग्रामीण अंचल के ज्यादातर स्टूडेंट हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल के हैं और उनको पहले से ही छात्रवृत्ति की सुविधाएं दी जाती हैं, और जो फीस हमारे जो विश्वविद्यालय की फीस सुविधा है पहले से ही अदर विश्वविद्यालय से कम रखी गई है। उसमें भी कोई बच्चा परफॉर्म करता है जो पढ़ने में अच्छा है तो उनको हम लोग स्कॉलरशिप में फ्री एजुकेशन भी देते हैं। अभी हमारे यहाँ एक बच्ची थी दामिनी, वो योगा में उन्होंने इंटरनेशनल वो किया तो हमने पूरा एजुकेशन उनका फ्री किया हुआ है। तो ऐसे भी स्टूडेंट को हम मोटिवेट करते हैं जो अपने क्षेत्र में एक्सीलेंस करें तो उन्हें फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा विश्वविद्यालय वादा करता है।